Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna. हे गाइस, कैसे हैं आप सब गाइस। आज है हमारे पास ओप्पो का A54 5G और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं आप इस फोन में कैसे ऐप लॉक को सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए चलना होगा आपको फोन की सेटिंग के अंदर। फोन की सेटिंग को ओपन कर लीजिए, इस तरीके आपको यहां पे इंटरफेस हो जाता है। अब यहां से आपको हल्का सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद फ्रेंड्स यहां पे आपको देखने को मिल रहा है प्राइवेसी। प्राइवेसी के अंदर आ जाना है। यहां प्राइवेसी के अंदर आएंगे तो यहां आपको देखने को मिलेगा नीचे की तरफ ऐप लॉक। तो सिंपल आपको ऐप लॉक पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है, इस पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो पासवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपको पैटर्न लॉक लगाना है ऐप लॉक पे। तो सिंपल आपको देखने को मिलेगा यूज डिफरेंट पासवर्ड टाइप, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, अपने पैटर्न लगा सकते हैं। 4 अंकों का भी पासवर्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 16 अंकों तक का यहाँ पर पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो आपको ये भी ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो आपको जो सेलेक्ट करना है आप अपना पैटर्न यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से। फिर इस तरीके से आपको दोबारा यहाँ पर कोई भी पैटर्न या फिर पासवर्ड सेलेक्ट कराना होता है। यहाँ पर आपको एक नाम सेलेक्ट करना है फ्रेंड, जो कि आपको याद रहे, आपको ये रिकवर करने के काम बहुत अच्छे से आएगा। आप रिकवर करेंगे तो आपसे ये पूछा जा सकता है भी डालना है, वो याद रहे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब यहाँ पर ऑटोमेटिक कुछ एप्लीकेशन है वो सेलेक्टेड हो जाएंगे, आप पहले इनको अनसेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको लॉक पे क्लिक करना है। यहाँ आपके फ़ोन में जितने एप्लीकेशन होंगे सारे शो हो जाते हैं। अब जिस एप्लीकेशन को आपको लॉक करना है वो सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आपको गूगल क्रोम के लिए लॉक करना है तो सिंपल इस तरीके से आपको क्लिक कर देना है गूगल क्रोम के लिए, तो हमारा गूगल क्रोम इस तरीके से यहाँ पर लॉक हो जाता है। इसी तरीके से आपको कोई भी एप्लीकेशन लॉक करना है तो जैसे कि आपको सिंपल इसी तरीके से उस एप्लीकेशन पर आके यहाँ पे आइकन पे क्लिक कर देना है तो आपका वो एप्लीकेशन यहाँ पर लॉक हो जाता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे जो जो एप्लीकेशन आपने लॉक करके कर रखे हैं उनको चेक करना है तो सिंपल आपको देखने को मिलेगा सो लॉकेड ओनली, इस पर आप क्लिक करके ये भी चेक कर सकते हैं कि आपने कौन कौन से एप्लीकेशन यहाँ पे लॉक कर रखे हैं। अब फ्रेंड, जैसे कि किसी एप्लीकेशन को आप एक बार ओपन करते हैं और दोबारा से जब उसको ओपन करते हैं तो आपका यहाँ पे लॉक आना दोबारा से स्टार्ट नहीं होता है, दोबारा से वो डायरेक्टली ओपन हो जाता है। अगर फ्रेंड्स आप चाहते हैं आपके फोन में जितनी बार आपके एप्लीकेशन ओपन किया जाए उतनी बार आपसे लॉक पूछा जाए तो उसकी भी यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। तो आपको सेटिंग का आइकन दिखेगा, इस पर आ जाना है, सेटिंग के आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ आपको देखने को मिलता है लीव्स एप्स अनलॉकड, इस पे आपको यहाँ पे इस तरीके से डिसेबल कर देना है। अब आप जितनी बार एप्लीकेशन जिस एप्लीकेशन ओपन करते हैं जिस पे आपने ऐप लॉक सेट कर रखा है उतनी बार वहाँ पे आपसे ऐप लॉक पूछा जाएगा। अब यहाँ उसके बाद आपको देखने को मिलता है सो पासवर्ड, इस तरीके से आप यहाँ से डिसेबल कर देंगे तो जब आप कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे आप पैटर्न लगाते हैं तो यहाँ पे हर बार आपका पैटर्न आना स्टार्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरीके से आप हर बार जिसको ओपन करेंगे हर बार आपका यहाँ पे नई तरीके से पैटर्न आपका आता रहेगा। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप इस फोन के अंदर अपने एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं, ऐप लॉक यहाँ पे इस तरीके से आप कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।